नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्नो टेक में। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हुआ हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हमारे पास एक HP का डेस्कटॉप सिस्टम आया हुआ है, ब्रांडेड डेस्कटॉप इसको बोलते हैं। i5 4th जनरेशन लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये पावर ऑन तो हो रहा है लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं है। तो डिस्प्ले ना होने के कई सारे वजह हैं। इसमें रैम भी ख़राब हो सकता है, प्रोसेसर भी ख़राब हो सकता है, या किसी सेक्शन में सप्लाई नहीं बन रहा हो, रैम सेक्शन, कोर सेक्शन, या 3-5 सप्लाई नहीं बन रहा हो। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। इसको खोलने के बाद ही, बोर्ड को चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि बोर्ड में क्या दिक्कत है। ये ऑन तो हो रहा है, पर समस्या ये है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। रैम वगैरह सब बदल के चेक कर लिया है तो रैम से समस्या नहीं है। हमने दूसरा प्रोसेसर भी इसमें डाल के चेक कर लिया है, प्रोसेसर भी समस्या नहीं है। ये बोर्ड से प्रॉब्लम है जिस वजह से यह डिस्प्ले नहीं दे रहा है। चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद ही इसमें प्रॉब्लम फाइंड करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या वजह है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, हीट सिंक को बाहर निकालेंगे खोल के, क्योंकि अभी ये कैबिनेट के अंदर कसा हुआ है तो इसका खोल के बाहर निकाल लेंगे पहले। उसके बाद ही इसमें आगे चेक कर पाएंगे। यह CPU फैन है, एक कमर्शियल CPU अलग ही होता है। यह हैवी ड्यूटी के लिए, इसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है इन सब CPU में। HP का ब्रांडेड CPU है ये नॉर्मल डेस्कटॉप से अलग होते हैं। परफॉर्मेंस कैपेसिटी में बहुत हाई होती है। इसको 24 आवर्स भी ऑन करके रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोसेसर है, इसको बाहर निकालेंगे। इसको इसलिए बाहर निकाले हैं कि इसका पिन वगैरह डैमेज तो नहीं है, पिन सही है। क्योंकि अगर CPU का पिन डैमेज रहेगा तो भी ये डिस्प्ले नहीं देगा। प्रॉपर सारे पिन CPU से कनेक्ट होने चाहिए। बोर्ड दिखाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। ये स्क्रू अभी इसमें कसा हुआ है, इसको सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तभी जाके बोर्ड बाहर निकलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मदरबोर्ड में क्या दिक्कत है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। हो सकता है बहुत काम की जानकारी छूट जाए, इसलिए आप वीडियो को पूरा वाच करें। हो सके बहुत काम की चीज़ें आपके लिए छूट जाए। सबसे पहले इसको स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोलेंगे। ये खुल गया। बोर्ड में भी अभी एक दो स्क्रू कसा हुआ है, उसको भी खोलेंगे।
बोर्ड को बाहर निकालेंगे। पहले हमने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है, कैबिनेट को अलग रख देंगे। ये बोर्ड है, बोर्ड में बहुत सारा डस्ट है, सबसे पहले बोर्ड को अच्छे से साफ करेंगे, बहुत सारा डस्ट है इसमें। ये डस्ट बोर्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। ये डस्ट की वजह से ही बोर्ड ख़राब होते हैं, इसको समय समय पे सर्विस कराते रहना चाहिए, या ब्लोअर हो उससे अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ कोई भी मदरबोर्ड हो उसमें दिक्कत तभी आती है जब उसमें डस्ट वगैरह ज़्यादा हो। आप देख सकते हैं हमने एडाप्टर कनेक्टर लगाते बोर्ड ऑन हो गया, देखते हैं सीपीयू हीट हो रहा है कि नहीं, सीपीयू कोई हीटिंग नहीं हो रहा है। हम आईसी वगैरह भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं तो कहीं कोई आईसी वगैरह हीट तो नहीं कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम सप्लाई चेक करेंगे कि कौन कौन सी सप्लाई बोर्ड में बन रही है, तीन पास सप्लाई चेक करेंगे पहले कि बोर्ड ऑन होने के लिए तीन और पांच बोल्ट बनना बहुत ज़रूरी है। इसको पांच बोल्ट बन रहा है, थ्री पॉइंट थ्री बोल्ट भी बन रहा है, इसको इसलिए चेक करना ज़रूरी था कि अगर सप्लाई प्रॉपर नहीं बनेगी तो भी बोर्ड ऑन नहीं होगा। यह रैम सेक्शन है, तो रैम सेक्शन भी चेक करते हैं कि रैम के लिए सप्लाई बन रहा है कि नहीं, डेढ़ बोल्ट बनना चाहिए रैम के लिए, कोई भी बोर्ड हो रैम की सप्लाई डेढ़ बोल्ट होनी चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, यह रैम के लिए ज़रूरी होता है, तभी प्रॉपर रैम काम करेगा जब सप्लाई बन रही हो। तो अब कोर सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत सही नहीं है जिस वजह से खांसी आ रही है। रैम सेक्शन ओके है, अब सीपीयू चेक करेंगे कि सीपीयू के लिए कोर सप्लाई बन रही है कि नहीं, क्योंकि कोर सप्लाई जब बनेगा तभी जाके डिस्प्ले आएगा। प्रोसेसर के लिए कोर सप्लाई बनना बहुत ज़रूरी है। कॉइल पे कोई रीडिंग नहीं दिख रहा है कि जिससे पता चल रहा है कि तीन पाँच ओके है, रैम सप्लाई भी ओके है, लेकिन कोर सप्लाई नहीं बन रही है। यही वजह है कि इस बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, क्योंकि यही तीन सप्लाई ज़रूरी होता है बोर्ड डिस्प्ले आने के लिए। कि अगर रैम सप्लाई भी ओके है, तीन पाँच भी ओके है, कोर सप्लाई भी ओके है, पीसीएच की सप्लाई भी ओके है, तो उस कंडीशन में हम बायस को बोर्ड प्रोग्राम करके चेक करते हैं। दो दिन हो गया, क्योंकि इन सब बोर्डों में अगर इसका बायस भी खराब रहेगा तो डिस्प्ले नहीं देगा। ये कोर आईसी है, तो हम इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा के हार्ड गन से हीट करके देखेंगे, क्योंकि कोर आईसी पे बहुत सारा डस्ट था, बहुत गंदा था आईसी, क्योंकि डस्ट की वजह से भी कभी कभी स्विचिंग नहीं कर पाती आईसी, प्रॉपर काम नहीं कर पाते। तो इसको हम पेस्ट लगा के अच्छे से हीट करेंगे, फिर सारे पिन को रिसोल्ड करेंगे, उसके बाद अच्छे से क्लीन करके चेक करेंगे। अगर डिस्प्ले आ गया तो सही है, नहीं तो फिर हम कोर आईसी को चेंज करके चेक करेंगे, तभी जाके ये प्रॉब्लम फाइंड आउट हो पाएगा। हार्ड गन से अच्छे से इसको
हिट करते हैं क्योंकि हमने चेक कर लिया इसमें कहीं कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं था। अब आईएसओ प्रोफाइल से अच्छे से गिरा के इस पर अच्छे से साफ करेंगे क्योंकि ये सब दिक्कत बहुत करता है डस्ट वगैरह। ब्रश से अच्छे से इसको साफ कर लेंगे। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी देने की, इसमें क्या समस्या थी, कैसे बना।